नमस्कार दोस्तों कैसे आप आप सब आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर के लेक्चर नंबर चार मतलब मॉक टेस्ट नंबर चार पे पहुंच चुके हैं और आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे सारे दोस्तों का स्वागत है एक बार फटाफट बता दीजिए कितने लोग आ चुके हैं भाई फटाफट बता दीजिए सारे दोस्तों को नमस्कार गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब एक बार फटाफट बताओ सारे के सारे दोस्तों को नमस्कार गुड आफ्टरनून राधे राधे कैसे हैं दोस्तों आप एक बार फटाफट बताइए और मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में एक कंप्लीट मॉक टेस्ट वापस से हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से ठीक है अंकिता ज्योति अथर्व सभी को नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून सभी को राधे राधे कैसे आप सब एक बार फटाफट बताओ सर कहाँ गए थे यार कल तो 26 जनवरी थी उसके पहले थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी था जिसकी वजह से नहीं आ पाया ठीक है सभी दोस्तों को नमस्कार वापस आ चुका हूं एक बार फटाफट बता दीजिए और सारे दोस्तों तक बात पहुंचा दीजिएगा जोरदार तरीके से ठीक है भाई आज का मॉक टेस्ट नंबर जो चार है वो अपने आप में, एक पेपर है दोस्तों। चार अपने आप में क्या है कंप्लीट पेपर है और अगर कंप्लीट पेपर है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो आपको ये चेक करना है कि कितने सवाल आपसे सही हो रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ठीक है चलो तो स्टार्ट करें भैया आज का सेशन स्टार्ट किया जाए एक बार फटाफट बता दो सारे दोस्त कमेंट करके बताइए एक बार फटाफट क्या आज का सेशन स्टार्ट किया जाए और एक बार अपने सारे दोस्तों तक बात पहुंचा दीजिएगा भाई सारे के सारे दोस्तों तक एक बार बात पहुंचा दीजिएगा तब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन बिना किसी देरी के फटाफट बता दो क्या सारे लोग तैयार हैं क्या सारे के सारे दोस्त तैयार हैं भाई आज के सेशन के लिए बोलो क्या आज के सेशन के लिए सारे दोस्त तैयार हैं सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिंग सभी को राधे राधे जय श्री राम भाई चंदन बोलो भाई बोलिए एलोन फेवरेट स्टूडेंट नाम रख लेने से फेवरेट थोड़ी हो जाओगे है भाई एलोन चलो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों एक बार फटाफट बता दीजिए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाफट बताओ सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जोरदार तरीके से फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त सारे के सारे दोस्तों को इस सवाल का उत्तर निकालना है और एक बार जोरदार तरीके से अपने सारे दोस्तों तक बात भी पहुंचाते रहनी है भाई सर वाइटी पे मेरा फर्स्ट क्लास है पहले तो फर्स्ट की स्पेलिंग सही से लिखो है ना फर्स्ट की स्पेलिंग सही से लिखो तब मैं कहूंगा कि स्वागत है आपका लेकिन पहले स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में अंग्रेजी भी आती है है कि नहीं फटाफट बता दो सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बताना है फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त बहुत ही आसान सा सवाल है और बड़े आराम से किया जा सकता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बड़े आराम से किया जा सकता है इस सवाल को ठीक है भाई जैसे देखो पांच और आठ से उनतालीस कैसे बनाए पांच और आठ से उनतालीस कैसे बनाए तो आप कहोगे सर पांच इंटू आठ चालीस माइनस एक उनतालीस होता है लेकिन अब पांच इंटू आठ किया तो यहां भी सात इंटू पांच पैंतीस में से एक घटाएंगे तो चौंतीस आ जाएगा इसका मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते दूसरी बात सोचते हैं सर अगर पांच प्लस आठ कर दे तो कितना हुआ तेरह और तेरह का तीन गुना कितना होता है उनतालीस सर यहां पे भी हो रहा है सर सात और पांच कितना हुआ बारह और बारह इंटू तीन कितना हुआ छत्तीस तो यहां पे क्या हुआ सर ग्यारह प्लस नौ कितना हुआ बीस और बीस इंटू तीन कितना होगा साठ होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा कितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया था एक बार फटाफट बताएंगे कितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिया मात्र सैंतीस परसेंट स्टूडेंट ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अन्नु तुक्का वन खुशी सितेश आरोही बेबो मीनू ब्रजेश खुशी संदीप यदुवंशी और इसी तरीके से सत्रह बच्चों ने ही सिर्फ सवाल का सही आंसर दिया है बाकी सारे दोस्तों ने आंसर क्या दिया आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत आंसर है भाई ऐसे कैसे गलती हो गई भाई फटाफट बताओ ऐसे कैसे गलती कर दीजिए आपने एक रिपीट कीजिए ये एक ही तो रिपीट है ये ये पहला ही सवाल है और इसी को रिपीट कर रहा हूं देखो पांच और आठ तेरह तेरह को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और बारा, बारा को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे छत्तीस ग्यारह और नौ बीस बीस को मल्टीप्लाई करेंगे तीन से कितना आएगा साठ आएगा सर राजा कह रहे हैं सर बी भी होगा बी कैसे होगा जरा बता दो भैया बी कैसे होगा बताओ जरा बोलो स्क्वायर किया था पांच का स्क्वायर पच्चीस आठ का स्क्वायर चौसठ तो चौंसठ में से पच्चीस घटाएंगे उनतालीस भी उनसठ सात का स्क्वायर उनचास पांच का स्क्वायर पच्चीस उनचास में से पच्चीस घटाओगे उनचास में से अगर पच्चीस घटाओगे तो भैया छत्तीस थोड़ी आएगा है ऐसे कैसे कर रहे हो फर्स्ट में अप्लाई हुआ था ऐसे कैसे ऐसे कैसे आंसर आ गया भैया दोनों का स्क्वायर करके कर लो दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है देखो जरा पहले दोनों का स्क्वायर घर में करो देखो क्या आंसर आ रहा है दोनों के स्क्वायर करने से पहले सवाल में आपने जो दिमाग लगाया बिल्कुल गलत दिमाग लगा दिया आपने ठीक है भाई क्लियर है फटाफट बताओ बताइए अगले सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्तों को बताना है और सारे दोस्तों को अपना अपना ये सेशन जो है ना एक शानदार सा सेशन जो चल रहा है उसको अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाना है फटाफट एक बार सारे दोस्त अपने दोस्तों को भी बता देना और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताइए सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर बताना है फटाफट बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर डी आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी आंसर है फटाफट बता दो ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे दोस्त आंसर दे रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है देखो आज का टारगेट होना चाहिए भैया 200 पार बताओ होना चाहिए कि नहीं आज का टारगेट 200 के पार होना चाहिए ठीक है जरा देखो 6 से छियानवे कैसे बना है? कोई कहेगा सर डायरेक्ट सोलह से मल्टीप्लाई कर देते हैं सोलह छह के छियानवे होता है तो सर यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें एक सौ चौवालीस हो जाए सोलह है, एक सौ 144 होता है सोलह नवा एक सौ चौवालीस होता है, है मतलब सोलह का मामला तो गया अब से छियानवे और कैसे बना सकते हैं आपने कहा सर में दस जोड़ देते हैं, सोलह इंटू छियानवे हो गया सर आठ में कितना जोड़ देते हैं दस जोड़ देते हैं आठ और दस कितना इंटू छ इंटू भैया तो आपने कहा अ पच्ची नब्बे अठारह छह एक सौ आठ ये भी गड़बड़ है मामला मामला तो ये भी गड़बड़ हो गया भाई अच्छा अब ये देखो ध्यान से जिस नंबर से जो पहला नंबर नंबर है उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे देखो से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा आठ से मल्टीप्लाई अठारह इंटू आठ एक सौ चौवालीस तो अगला क्या आएगा पांच प्लस दस पंद्रह और पंद्रह को मल्टीप्लाई करेंगे इसी पहले नंबर से पंद्रह इंटू पांच कितना हुआ पिछहत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा सारे दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए था चौरासी परसेंट बच्चों ने आंसर दिया अन्नू खुशी तुक्का गैंग फोर चंदन ने किया बोलिए एलोन बेबो बलवान ज्योति हिमांशु भारती सुबेंदु और इसी तरीके से कुल अड़तालीस बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा फर्स्ट नंबर इनटू फर्स्ट नंबर प्लस टेन सेम क्वेश्चन बनाया आज हम अरे वाह बहुत बढ़िया तो आंसर तो सही आना चाहिए था सेम क्वेश्चन बनाए थे तो चलो अगला सवाल अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट ट्राई करना है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर बताना है क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर तुक्का गैंग दस भी जुड़ चुके हैं अपने सामने अपने साथ और ये हैदराबाद है से कह रहे हैं इनका दावा है कि ये हैदराबाद से है तुक्का गैंग दस तुक्का गैंग एक से लेकर दस तक पहुंच गए भाई बहुत बढ़िया बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोला गया इस सवाल को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है एक बात तो कंफर्म है कि जो एक नंबर है सबसे, बाद में आएगा। नहीं? पड़ बताओ। एक सबसे अगर बाद में आएगा क्योंकि सी ए के बाद टी है तो यह सबसे बाद में आएगा तो ऑप्शन नंबर डी तो गल, गल, गलत हो गया ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया गलत हो गया और बताओ भाई ऑप्शन नंबर एक सबसे लास्ट में आएगा चलो अब इसी बात पे मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूं मैथ्स के जादूगर सर को एक बार सर आपसे बात करेंगे सर 200 नहीं पहुंच रहा क्या किया जाए सर बताइए बिल्कुल पहुंचवाते हैं सर <laughs> सबसे पहले तो सारे बच्चों को नमस्कार यार आपके साथ जो है सारे लोग इतना मेहनत करते हैं है ना संदीप सर एकदम जान लगा देते पूरा मैं, मैं पता कैसे आया इस क्लास में मैं बाहर अपने स्टूडियो से निकला और मेरे को बाहर आवाज़ आ रही थी आप सोच रहे हो ना कितनी जान लगा के सर पढ़ाते हैं तो तुम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है यार कि एक बार फटाफट से पहले तो यार लोगों तक तो पहुँचा दिया करो अपने दोस्त यारों को लेके आया करो कि रोज़ाना बेहतरीन क्लास चलती है आप लोग जब कनेक्ट करोगे ये जो नंबर दिखता है ना जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है तो ये एनर्जी के लिए ना नंबर बहुत जरूरी होता है तो मैं केवल इतना कहता हूँ यार तुम लोग रेगुलर हो जाओ आप, आप सोचोगे एक दिन हम कर लेंगे बढ़िया से पेपर फिर दूसरे दिन नहीं आएंगे फिर तीसरे दिन कर लेंगे फिर नहीं आएंगे तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है मेरे भाई तो अगर सिलेक्शन लेना है तो रोजाना आना और फट जाता है ना अच्छा ऐसा कुछ है

कि अब बढ़ाना है है कि नहीं चलो तो स्टार्ट करें भैया तो एक नंबर यह बात आपको दिख रही है कि जो पहला वाला वर्ड है वो सबसे बाद में आना तय है जो पहला वाला वर्ड है वो सबसे बाद में आना तय है इसका मतलब कि पांच नंबर ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं आएगा अच्छा पहले नंबर पे क्या आएगा सी ए एल यहां भी है यहां भी है यहां भी है लेकिन आपने देखा कि सी सबसे पहले आएगा और सी के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा आई आए। इसका मतलब तीन सबसे पहले आएगा एक सबसे बाद आएगा मानते हो बात को तीन सबसे पहले एक सबसे बाद में और ये किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है ठीक भाई अन्नू लूजर चंदन बलवान मीनू खुशी नितिन तन्नू तुक्का एम एस विशाखा प्रीति और इसी तरीके से कुल इकसठ बच्चों ने आंसर सही दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई क्लियर है भाई ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक आंसर था नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है एक बार फटाफट बता दीजिए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे दोस्तों को ट्राई करना है बेहतरीन तरीके से और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बोलिए भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त बेहतरीन तरीके से इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे एक बार फटाफट करेंगे सारे के सारे दोस्तों को सारे के सारे दोस्तों को बताना है इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला बोला गया सम जाना है प्लैनेट पे सन से अगर मुझे प्लैनेट पे जाना है तो इसका मतलब यह है कि पहले और तीसरे को अगर हम आपस में मर्ज करते तभी पॉजिटिव स्टेटमेंट आता लेकिन पहला और तीसरा तो सर आपस में मर्ज हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे मुझे दूसरे की दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा ठीक है ना इनको आपस में मर्ज करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा और दूसरे का सहारा लेते ही हमारा कंक्लूजन हो जाएगा नेगेटिव यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है गलत आगे बोला गया नो सन इज स्टार आपने कहा कि सर सन की वैल्यू 50 है नो no लगने के बाद 100 हो गई ये भी गलत है और आगे बोला गया नो प्लैनेट इज मून सर प्लैनेट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है कंक्लूजन में 100 है यह भी गलत है आंसर आएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर आने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर आने वाला है तिरपन बच्चों ने आंसर सही दिया विशाखा अनु सोहम आकांक्षा बलवान पलक निकिता ब्रजेश चंदन एलोन प्रीति तुक्का गैंग फोर हिमांशु वैष्णवी और इसी तरीके से कुल तिरपन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई बहुत ही शानदार आंसर दिया चलो नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है एक बार फटाफट बता दीजिए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बेहतरीन तरीके से फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्तों को क्या आंसर आने वाला है सारे के सारे दोस्तों को बताना है क्या आंसर आने वाला है एक बार फटाफट बता दीजिए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट फटाफट बताएंगे सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे सारे दोस्त क्या ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है बोलो भाई क्या ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है क्या देखो सर तैतालीस इंटू दो माइनस एक चौरासी होगा तैंतालीस दो ना छियासी माइनस एक माइनस दो कितना हुआ चौरासी हुआ सर इकतालीस इंटू दो कितना हुआ इक्कीस इंटू दो बयालीस हुआ और बयालीस में से दो माइनस करेंगे कितना आएगा चालीस आएगा सर पंद्रह इंटू दो कितना हुआ तीस और तीस में से दो माइनस करेंगे तो अट्ठाइस आएगा यहां बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है विषम तो यही है क्योंकि सर उन्नीस इंटू दो अड़तीस यहां पे भी है और अड़तीस में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा छत्तीस इसका मतलब पहले नंबर से दूसरे नंबर को लाने के लिए इंटू टू माइनस टू करना है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यह चीज नहीं हो पा रही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है विषम है क्या है ऑप्शन नंबर सी विषम है पिछहत्तर बच्चों ने सही आंसर दिया गोपाल पवन सितेश बलवान चंदन सोहम नितिन प्रीति संदीप वैष्णवी लूजर और इसी तरीके से कुल पिछहत्तर बच्चों का आंसर सही आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा बहुत बेहतरीन आंसर दिया है सारे के सारे दोस्तों ने हिमांशु कह रहे सर आप डेली क्लास लिया करिए आई मिस यू सर बेटा ही मानसू मैं कभी भी अपनी मर्जी से क्लास नहीं छोड़ता इस बात का ध्यान रखना लेकिन मैं भी एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ है ना परिवार में अगर कोई समस्या आ जाती है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ भी खड़ा रहूं और आप भी मेरा परिवार हो तो आपके साथ भी खड़ा रहूं तो दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ता है कई बार इस वजह से एक आध दिन की छुट्टी हो जाती है यार उसके लिए आप कहोगे तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों फटाफट बता दीजिए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन तो का आंसर बताना है क्या आने वाला है फटाफट बट बताओ क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस तो क्वेश्चन का आंसर बताना तो 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 है बेहतरीन तरीके से बताइए एक बार क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का फटाफट ट्राई करिए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का चलो देखते हैं जरा अगर मैं सेकंड लास्ट नंबर लिख दू 69 इंटू और इक्वल टू तीन ये किसी भी कीमत पे माइनस प्लस करने पे नहीं आएगा मानते हो इस बात को कि नहीं देखते ही आप काट सकते हो ना कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि आपका तीसरा जो तीसरा जो साइन है ना वो मल्टीप्लीकेशन का है हत्तर इंटू इक्यासी करोगे अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसके बराबर में तीन नहीं आएगा क्योंकि यहां पे साइन माइनस और प्लस का है ठीक है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया ऑप्शन नंबर बी चेक करो सोलह इंटू छ माइनस उनहत्तर इक्वल टू इक्यासी डिवाइडेड बाई तीन अब आपने कहा सर छियानवे में से अगर सिक्सटी नाइन माइनस करें तो ट्वेंटी सेवन के बराबर होना चाहिए आपने कहा सर सोलह में से नौ गया सात और आठ में से छह गया दो 27 बराबर सत्ताईस आ गया सर ऑप्शन नंबर बी को पुट करने पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आने वाला है इस सवाल का सही और सटीक आंसर क्लियर है भाई छियानवे परसेंट बच्चों ने आंसर दिया नितिन मुकेश संदीप अनु सोहम चंदन प्रगति अंकिता सैडली राइट्स निकिता आरोही ज्योति शालिनी और इसी तरीके से कुल बेहत्तर बच्चों का आंसर सही आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उम्दा ठीक है भाई बहुत ही शानदार आंसर दिया है आप सारे के सारे दोस्तों ने तो इसी बात पे अगला सवाल आपके सामने आ चुका है एक बार फटाफट सारे दोस्त ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे फटाफट बताइए भाई इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट बताइए फटाफट बता दो क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त एक बार जोरदार तरीके से ट्राई करेंगे बेहतरीन तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सारे के सारे दोस्त बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी की सी आ गई है ऑप्शन नंबर डी देने वाले इतने लोग हैं ऑप्शन नंबर डी की बाढ़ आ गई है भाई देखते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर है भी कि नहीं सर ये बीस है ये उन्नीस है ये अठारह है ये सत्रह है तो अगला क्या होना चाहिए सोलह सोलह पे सर पी आएगा इसका मतलब आप देखिए पहला लेटर पी कहा है क्या यहां पे पी है नहीं यहां पे पी है नहीं यहां पे, पे भी नहीं आंसर क्या आएगा डी अब इससे आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इससे आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इससे आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी आंसर आया 98 बच्चों का अस्सी बच्चों ने आंसर सही दिया है वैष्णवी बलवान पवन शिवम अन्नु संदीप मृत्युंजय तन्नू गोपाल लूजर खुशी तुक्का गैंग फोर कुमकुम कुम, मीनू और इसी तरीके से कुल अस्सी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों एक बार फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का, सारे सारे इस इस का आंसर बताना है दोस्तों क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त सारे के सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बोलिए भाई बोलो क्या आंसर आएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग दे रहे हैं आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर है भी या नहीं है देखो सर उन्नीस इंटू पांच पिचानवे पिचानवे में से पांच माइनस कर दिया नब्बे सर तेरह इंटू पांच कितना हुआ पैंसठ पैंसठ में से पांच माइनस कर दिया साठ सर पच्चीस इंटू पांच एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस में से पांच माइनस करेंगे कितना आएगा एक सौ बीस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है अट्ठानवे परसेंट बच्चों ने आंसर दिया गोपाल पवन निकिता प्रगति मुकेश गायकवाड़ इमैनुअल मैक्रोन प्रीति वैष्णवी शालिनी सिते संदीप तुक्का गैंगवन बलवान और इसी तरीके से कुल छिहत्तर बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उम्दा बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है क्लियर है भाई बहुत शानदार नेक्स्ट अगला सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है और शानदार तरीके से आप आंसर देंगे मुझे भरपूर भरोसा है एक बार फटाफट ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए भैया इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है फटाफट बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का सारे दोस्तों को ट्राई करना है देखो गोल्फ किससे खेलते हैं गोल्फ स्टिक से खेलते हैं है? तो क्रिकेट किससे खेलते हैं बताओ क्रिकेट किससे खेलते हैं बैट से है कि नहीं क्रिकेट किससे खेलते हैं बैट से तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट वैष्णवी लूजर मीनू तुक्का तुक्का गैंग गैंग अथर खुशी थ्री गोपाल ज्योति बलवान रिंकी तन्नू और इसी तरीके से इकहत्तर बच्चों का आज तो पोल भी बहुत शानदार है बहुत बढ़िया है बहुत बेहतरीन ठीक है भाई नेक्स्ट अगला सवाल इस सवाल का उत्तर बताएंगे सारे के सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का कम समय दे दिया इसे है ना इस सवाल का उत्तर बताइए फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे फटाफट बता दो सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर बताना है फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी देख लो ये ये देख लो पलक वर्मा ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया आयुष ने डी दिया है पता नहीं इन्होंने कहां से देख लिया था इस सवाल का आंसर कि ऑप्शन नंबर डी बिना सॉल्व किए दे दिया है ना बिना सॉल्व किए ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया भाई साहब अब मैं इन्हें क्या कहूं आप ही बताओ देखो यहां डिवाइड वाला पोर्सन कहीं पर भी नहीं है अगर डिवाइड वाला पोर्सन नहीं है तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा अब देखो यहां एक सौ सत्ताइस हुआ बराबर यहां पे प्लस और यहां पे माइनस 132 में से इकतालीस घटाएंगे तो 140 तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए गलत आगे देखो सर एक सौ सत्ताइस माइनस तेरह इंटू तीन इक्वल टू एक सौ उनतीस माइनस इकतालीस यहां पर कुछ हो सकता है सर एक सौ में से उनतालीस घटाइए एक सौ उनतीस में से इकतालीस के बराबर होना चाहिए अब आपने कहा सर सत्रह में से नौ गया आठ और यहां पे ग्यारह में से तीन गया आठ और यहां देखो नौ में से एक गया आठ और बारह में से चार गया आठ अठासी बराबर आ गया ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही आंसर कितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया था भाई कितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया था ये बता दीजिए फटाफट बताइए कितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया था और मात्र 59 परसेंट बच्चों ने आंसर दिया था आकांक्षा ब्रजेश वैष्णवी नितिन गायकवाड़ तुक्का गैंग दस अंकिता बेबो प्रीति करिश्मा बलवान एलोन और इसी तरीके से कितने बच्चों ने छियालीस बच्चों ने क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है फटाफट बता दो कितने दोस्तों ने गलत कर दिया यह सवाल कितने दोस्तों का सवाल का उत्तर गलत आया है और इस सवाल का आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट बता दीजिए सारे दोस्त क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का बोलिए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त सारे दोस्तों को बताना है इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलिए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है और जितने दोस्तों ने पसंद नहीं किया भाई साहब कम से कम पसंद का सैकड़ा तो पूरा कराई दो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी वाह भाई वाह ऑप्शन नंबर बी भी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं कहां से बोलो भाई क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का फटाफट ट्राई करेंगे सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर निकालना है सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का बोलिए भाई देखो सर सबसे पहले पांच स्क्वायर यहां बनेंगे पांच स्क्वायर यहां बनेंगे पांच स्क्वायर यहां बनेंगे और पांच स्क्वायर यहां बनेंगे उसके अलावा कहीं कोई स्क्वायर की फिगर नहीं है अगर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ये परफेक्ट रेक्टेंगल दिख रहा है स्क्वायर नहीं है तो पांच इंटू चार कितना हुआ बीस ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर क्या आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है एटी नाइन परसेंट बच्चों ने आंसर दिया था मीनू प्रीति गोपाल बलवान एमएस गायकवाड़ खुशी विशाखा के आयरा ज्योति मुकेश करिश्मा मेघा एलोन अंकिता अभिषेक और इसी तरीके से कुल इक्यासी बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा बहुत बेहतरीन आंसर दिया है दोस्तों चलो अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक बार फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सलोनी तिवारी करिए ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा क्या हो गया कि तुमने बोल दिया ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा क्या हो गया भाई है भाई क्या हुआ ऐसा कुछ हो गया क्या बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट पड़ बताओ सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर निकालना है फटाफट फड़ बताइए क्या आंसर आने वाला देखो बिना सॉल्व किए तो आंसर देना मत क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके सटीक आंसर निकाला जा सकता है एक बार बढ़िया से निकालने की कोशिश करना आंसर है कि नहीं बिना देखे सवाल का उत्तर मत निकालिएगा देखो सत्रह ए का मतलब है प्लस इकतीस बी का मतलब है इंटू तीन सी का मतलब है माइनस चौसठ डी का मतलब है डिवाइड बाई आठ ए का मतलब है प्लस इकतालीस सी का मतलब है सी का मतलब क्या है माइनस इक्कीस इंटू चार इसी को सॉल्व करना है अब देखो सत्रह प्लस तिरानवे किसी को कोई दिक्कत माइनस आठ प्लस इकतालीस माइनस चौरासी अब देखो प्लस वाला सबको आपस में जोड़ लो सत्रह तिरानवे और इकतालीस आपस में जोड़ दिया सात तीन दस ग्यारह नौ चार तेरह एक चौदह और एक पंद्रह एक सौ इक्यावन आ गया ये कितना आ गया एक सौ इक्यावन में से आपको घटाना क्या है चौरासी और आठ बानवे घटाना है बानवे घटाएंगे तो ग्यारह में से दो गया नौ और चौदह में से नौ गया पांच फिफ्टी नाइन ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है क्या आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उनसठ परसेंट बच्चों ने इसका भी आंसर दिया है भैया हिमांशु तुक्का गैंग फोर प्रीति सयानी तुक्का गैंग दस आकांक्षा ब्रजेश अनु वैष्णवी स्वाति वैष्णवी बलवान प्रियंका निकिता और इसी तरीके से उनतालीस बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई किया भाई चलिए नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार सवाल है बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको इस सवाल को करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस सवाल का उत्तर निकालना है फटाफट ट्राई करिए भैया सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई साहब सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर निकालना भाई देखो बोला गया सर मदर का कोड है मदर को कैसे कोड किया जाता है तो सर एल एन एस जी आई और वी से सर ये तेरह है ये पंद्रह है ये बीस है ये आठ है ये पांच है ये अठारह है और ये बारह है ये चौदह है ये उन्नीस है ये सात है ये नौ है ये बाईस ठीक है अब एक बार फटाफट करके बताएंगे सारे के सारे दोस्त क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन युगांडा की पावन धरती से भी जुड़ चुके हैं भाई साहब देखो सर अगर इसमें यहां पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर रहे हो ना माइनस वन कर रहे हो तो आप सबसे पहले वंडर को देखो आप सबसे पहले वंडर को अगर आप देखोगे तो W में से एक माइनस करोगे तो V आएगा V किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्या किसी भी ऑप्शन में V है क्या देखो क्या किसी भी ऑप्शन में V है बोलो क्या किसी भी ऑप्शन में V है क्या आप कहेंगे सर नहीं है किसी भी ऑप्शन में V नहीं है अगर किसी भी ऑप्शन में V नहीं है इसका मतलब हम माइनस वन नहीं कर सकते थे हम माइनस वन नहीं कर सकते थे दोस्तों तब हमको क्या करना है कुछ और सोचना है क्या सर देखो पंद्रह और बारह सत्ताईस तेरह और चौदह सत्ताइस ये सारे क्या है एक दूसरे के अपोजिट आठ और उन्नीस सत्ताईस और बीस और सात कितना हुआ सत्ताईस एक दूसरे के अपोजिट अच्छा अठारह और नौ सत्ताइस और पांच और बाईस सत्ताईस के अपोजिट तो ओ का अपोजिट एल होगा डब्ल्यू का अपोजिट वी ए डी होगा एल के बाद डी आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए गलत बी गलत उसके बाद डी के अपोजिट डब्ल्यू होगा एन के अपोजिट एम होगा एल डी डब्ल्यू एम एल डी डब्ल्यू एम एल डी डब्ल्यू एम ऑप्शन नंबर सी में है तो आपके सवाल का सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी बच्चों ने आंसर दिया मुकेश एम एस राकेश भाई बलवान गोपाल विशाखा रिंकी नितिन निकिता तुक्का गैंग एलोन अच्छा बताओ इस सवाल में कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए एक बार फटाफट फ़ड़ कमेंट करके बताओ कितने लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि अगर आप माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर रहे थे तो वो उससे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा था बोलो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया था सही से कर दिया था भाई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत बढ़िया बहुत, बहुत शानदार अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों जरा इस सवाल का उत्तर निकालिए फटाफट ट्राई करिए आपकी आंखें बन जानी चाहिए बिल्कुल चील की तरह और अपने लक्ष्य को देखिए कि भाई कौन सी फिगर ऑप्शन में कौन सी ऐसी फिगर है जो क्वेश्चन फिगर में छिपी हुई दिखाई दे रही है ऑप्शन में कौन सी फिगर है जो क्वेश्चन में छिपी हुई दिखाई दे रही है आपको देखना है बहुत ध्यान से फटाफट ट्राई करो सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट ट्राई करेंगे सारे दोस्त फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का बोलिए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोग दे रहे हैं देख लेते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है क्या ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है आपने कहा सर ये वाली फिगर एक बार चेक करते हैं ये वाली फिगर आपने इसमें देखा तो बिल्कुल सटीक दिखाई दे गई ये वाली फिगर बिल्कुल सटीक दिखाई दे रही है कि नहीं ये वाली फिगर जो अभी हमने देखा है ठीक है उसके बाद से इसके साथ एक और ये वाला बॉक्स जुड़ा हुआ है वो ये वाला बॉक्स है और इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन तो नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया आप सारे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट खुशबू मेघा मृत्युंजय तुक्का मृत्युंजयन खुशी पवन थलपति नितिन सुफेंदू बलवान वैष्णवी संदीप और इसी तरीके से कुल तिरसठ बच्चों ने सवाल का सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत थोड़ा गड़बड़ है फिगर सी वाला उतना बड़ा नहीं निकलना चाहिए लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम फिगर सी ही तो देंगे आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम फिगर सी तो आंसर देंगे आप ऑप्शन के आधार पे देखो बाकी ए बी और डी तो मिल ही नहीं रहे तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी तो आएगा बताओ आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा है कि नहीं चलिए नेक्स्ट अगला सवाल एक बार फटाफट उठाइए फटाफट ट्राई करेंगे सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर बताना है क्या आने वाला है इस सवाल का आंसर बोलिए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का दोस्तों एक बार फटाफट फड़ बताओ सारे के सारे क्या आंसर आने वाला है कालिया युगांडा की पावन धरती से भाई साहब एक बार में पंद्रह कालिया के है भाई बताइए भाई सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली ऊपर वाली जो साइन है ना मतलब ऊपर वाला जो ये आपका हेक्सागन है ये बदलेगा नहीं ठीक है यहां पर यही आएगा यहां पे भी यही आएगा ठीक है भाई और यहां पे भी यही आने वाला है अच्छा सारे ऑप्शन में है ठीक है तो इससे मतलब है नहीं उसके बाद ये तीर अलग से आ गया तीर तो भाई नीचे था ऊपर नहीं आ सकता ये गलत है ठीक है अब आगे देखिए ऑप्शन नंबर में आपको दिखेगा कि इसका मिरर इमेज जब आप निकालेंगे तो ये वाली फिगर ये वाली फिगर पहले आनी चाहिए बोलिए हा या ना ये वाली फिगर पहले आनी चाहिए ठीक है और आपने देखा पहले में भी है और दूसरे में भी है और लास्ट वाले में भी लास्ट वाले में नहीं है लास्ट वाले में नहीं है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है ठीक है अब ऑप्शन नंबर ए और सी में कौन सा आंसर होगा तो आपने देखा कि जो तीर है ना तीर का ये वाला पोर्शन इस साइड होना चाहिए ठीक है अब आपने देखा कि इन दोनों पोर्शन एक ही तरफ है तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही उत्तर है क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कितने लोगों ने दिया चौरासी परसेंट बच्चों ने पाई का आंसर आया रिंकी वैष्णवी एम एस गायकवाड़ खुशी अनु यादव पवन विशाखा सोना वैष्णवी मृत्युंजय हिमांशु और इसी तरीके से कुल पिछहत्तर बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई सर मेरा नाम भी लिया करो शिवानी पांडे कह रही है चलो भैया इनका नाम भी सारे लोग ले, ले लेंगे एक बार शिवानी पांडे का नाम कि इनको खुशी मिल जाए थोड़ी सी सारे दोस्त एक बार शिवानी पांडे का नाम ले लो भाई बढ़िया से और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्या ड्राइंग बनाते हैं सर वाह भाई वाह ड्राइंग ही तो नहीं बन पाती है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला फटाफट पड़ बताओ सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट पड़ बताइए क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का फटाफट पड़ बताएंगे सारे के सारे दोस्त क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का सारे दोस्तों को ट्राई करना भैया सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है देखो दो का वाटर इमेज तो बनेगा नहीं गलत है अब दो बनेगा ऐसे ही ठीक है उसके बाद सात का वाटर इमेज बनेगा नहीं गलत है बाकी इसमें 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 सात सेम है अच्छा चार का वाटर इमेज नहीं बनेगा ये गलत है ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही आंसर क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पिचासी बच्चों ने सही आंसर दिया वैष्णवी मीनू खुशी संदीप बलवान खुशी हिमांशु तुक्का गैंग फोर एम एस गायकवाड़ सैडली राइट अनु विशाखा और इसी तरीके से पिचासी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उम्मा अच्छा एक बात बताओ डेली जो आप प्रैक्टिस करते हो क्लास में डेली जो आपको क्लास में आके तरीके या ट्रिक बताए जाते हैं कि भैया हम सीधा सीधा मिरर इमेज को ऑप्शन के हिसाब से देखें क्या ये जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो वहां पे अप्लाई करते हो और अप्लाई करते हो तो क्या चंद सेकंड में हो पाता है कि नहीं एक बार फटाफट बताओ और अगर हो पाता है मतलब कहने का यह है कि अगर आपको इस प्रैक्टिस सेशन से फायदा मिल रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आफ्टर क्लास क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस प्रैक्टिस सेशन से फायदा मिलता है कि नहीं आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं कि नहीं और उन सवालों को अच्छे से करने का तरीका प्राप्त होता है कि नहीं होता है यह बात आपको बतानी है भाई साहब आज क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक बार फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है भोकाल मचा देते हैं सर वाह बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताइए सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है देखो के का अगर मिरर इमेज की बात करें तो के तो उल्टा हो जाता है यह गलत है ऑप्शन नंबर बी भी गलत है अब आ गया ऑप्शन नंबर सी और डी आपने देखा सर सी तो दोनों में सेम है इसको चेक ही मत करो तीसरा लेटर कौन सा है नौ और नौ बनता है उल्टा नौ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी गलत है ये इसका वाटर इमेज है ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन नंबर डी गलत है आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बलवान वैष्णवी गोपाल राम वैष्णवी चंदन खुशी जारवालीन अनुल लूजर no मुकेश चालिनी और इसी तरीके से कुल कितने बच्चों ने उन्यासी बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उम्र अभिषेक कुमार राय कह रहे सर मेरा नाम नहीं ले रहे एक दिन एक क्लास लगाऊंगा स्पेशल सेशन जिसमें सिर्फ नाम ही लिया जाएगा आप लोगों का बताओ तैयार हो बोलो <laughs> एक कह रहे हैं कि अब मैं कतई आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इतना जल्दी आंसर देने के बाद भी पोल ने उनका नाम नहीं उठाया सच सच बताना आज नहाय होगी नहीं जिसने भी ये बोला था आज बताओ नहाए हो कि नहीं अगर नहीं नहाए हो तो पोल कैसे नाम उठाएगा बताओ अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताइए भाई बोलो इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाफट बताओ सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बराबर बताइए सर देखो 99 में अगर मैं पच्चीस माइनस कर दू तो कितना होगा निन्यानवे चौरासी और दस चौरानवे हो गया ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन ठीक है भाई दूसरा ऑप्शन निन्यानवे में दूसरा ऑप्शन अगर हम क्या करें निन्यानवे में प्लस करें पच्चीस जो बराबर है दस प्लस बारह इंटू सात के तो निन्यानवे दस एक सौ नौ एक सौ उन्नीस एक सौ चौबीस 124 किसके बराबर है चौरासी दस चौरानवे के ये भी गलत है ऑप्शन नंबर बी भी, भी गलत माइनस करो निन्यानवे माइनस पच्चीस प्लस दस इक्वल टू बारह इंटू सात अब आपने कहा कि सर निन्यानवे में दस जोड़ेंगे तो एक सौ नौ और एक सौ नौ में से पच्चीस घटाएंगे क्या वो चौरासी के बराबर है तो आप कहोगे सर यहाँ पे नौ में से पाँच गया चार और दस में से दो गया आठ चौरासी बराबर चौरासी सर ऑप्शन नंबर सी को पुट करने पर हमारे सवाल का उत्तर निकल रहा था ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है मात्र सैंतीस ने आंसर दिया अड़तालीस परसेंट बच्चों ने पाई और इसी तरीके से कुल तीस बच्चों ने ही सवाल का सही आंसर दिया और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सवाल को सॉल्व भी किया है वरना भाई साहब ऑप्शन देखते ही आंसर दे रहे थे जो कि बिल्कुल हो गया गलत ठीक है भाई इसीलिए मैं कहता हूं एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों जरा इस सवाल का उत्तर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे दोस्तों को ट्राई करना है भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला बोला सर इकतीस देखो ध्यान से सॉल्व करके देना भाई आंसर है ना अगर सॉल्व करोगे तो ये चुटकियों का काम है आंसर निकालो इकतीस दिसंबर दो को थर्सडे है तो आपसे पूछा गया सर पच्चीस दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा 25 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा यह बात आपसे पूछी गई है ये बात आपसे पूछी गई है बताओ जरा फटाफट आपने कहा कि सर सबसे पहले हमने यही सीखा था कि साल के बीच का विषम दिन निकालते एक साल का अंतर है प्लस में एक लिख दिया उसके बाद सर महीनों के बीच में कितने दिन का अंतर है छह दिन का अंतर है इकतीस का दिन दे रखा है पच्चीस का पूछा गया है तो माइनस में छ कर दिया माइनस छः प्लस वन कितना होता है प्लस में पांच थर्सडे में अगर हम पांच दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूजडे आंसर क्या आ गया आपका ट्यूजडे आ गया आंसर क्या आ गया ट्यूजडे मंगलवार ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का सही आंसर ट्यूजडे ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है मात्र दो परसेंट बच्चों ने दिया कुमकुम -कुम और जारवलिन का आंसर आया है अब बताओ भैया ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आंसर था ऑप्शन नंबर डी गलत कर दिए है भाई गलत कर दिए क्या देखो अब जरा ध्यान से देखो 2009 से 10 एक ही साल का अंतर है प्लस में वन लिखा अब उसके बाद आ जाओ 31 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में कितने दिन का अंतर है छह दिन का तो छे तो यहां पे माइनस छह क्योंकि 31 दिसंबर का दिन दे रखा है 25 का पूछा गया माइनस छ प्लस वन कितना होता है प्लस में फाइव होता है सॉरी माइनस में फाइव होता है क्या होता है भैया माइनस में फाइव होता है माइनस में फाइव होता है तो थर्सडे में अगर हम माइनस पांच करेंगे तो यहां पे प्लस में सात कर दो यहां पे क्या कर दो प्लस में सात कर दो तो क्या आएगा प्लस में टू तो आंसर आएगा सैटरडे अच्छा कितने लोगों ने आंसर ट्यूसडे दे दिया था तो दो लोग बता दिया ना मैंने आंसर नाम बता दिया एक जारवलिन थे एक कुमकुम -कुम थी मजा आया कि नहीं आया फटाफट बता दो मजा आया या नहीं आया फटाफट बता दो मुझे तो यह देखना था कि कितने लोग आंसर गलत दे रहे हैं मुझे तो यह देखना था कि आंसर कितने लोग गलत दे रहे हैं मजा आया या नहीं आया ये बताओ दो लोग पकड़े गए भाई साहब खूब समय लिया तब भी आंसर उन्होंने अंतिम में कह दिया कि चलो मान लो मंगलवार है है भाई जारवलिन और कुमकुम फंस गए आज क्लियर है भाई अरे बोलो क्लियर है चलिए अगर बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट बता दो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये ट्रेड विथ सनी कह रहे हैं पता नहीं क्या बना रहे हो मैं बनाऊंगा क्यों आप हो बनाना क्या है इसमें बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाफट बताओ सारे दोस्तों को ट्राई करना है सारे दोस्तों को ट्राई करना है फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाफट ट्राई करेंगे भैया सारे के सारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सारे के सारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है बोलो भाई देखो बोला गया सर एक्टर को कोड कैसे किया जाता है एक्टर को कोड किया जाता है वन थ्री सिक्स एट और यहां पे जो आपका आर है ना आर का कोड ट्वेल्व है अगले वाले में चेक करो सर हीरोइन को कैसे कोड किया जाता है हीरोइन को कोड किया जाता है सर नौ पांच बारह आर का कोड बारह और उसके बाद दो सॉरी आठ सात चार और पांच से तो आपसे पूछा गया सर हीरो का कोड क्या होगा हीरो का कोड तो यहां नौ पांच बारह और आठ होगा नौ पांच बारह और आठ ऑप्शन नंबर ए में है आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही होगा ठीक है भाई डोरी मुजैब अनु सितेश निकिता बेबू ब्रजेश करिश्मा प्रीति काजल बलवान और इसी तरीके से कुल छियासठ बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों फटाफट इस सवाल का उत्तर निकालिए सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताइए सारे के सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट ट्राई करेंगे भैया सारे के सारे दोस्त बोलिए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए सर तीन से दो तो पंद्रह और चौदह कितना हुआ माइनस में उनतीस सर दो सौ पिचासी से तीन सौ आठ पंद्रह और आठ कितना हुआ प्लस में तेईस आगे का पता नहीं इसके आगे का भी पता नहीं इसके आगे देखो तीन सौ छे से दो सौ तिरानवे तिरानवे सात और छ तेरह माइनस माइनस में कितना हुआ तेरह और आगे देखो सात और चार ग्यारह प्लस में ग्यारह अब ये सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर चल रहा है बोलो हाँ है ना ये सारा का सारा नंबर क्या चल रहा है प्राइम नंबर चल रहा है तो बताओ 29 20, इसके बाद वाला प्राइम नंबर घटते हुए क्रम में क्या आएगा माइनस में उन्नीस प्लस में सत्रह यही तो आएगा तो माइनस अगर 308 में से 19 माइनस कर दे 308 में से 19 माइनस किया 18 में से 9 गया 9 और 29 में से 1 गया 28 कितना आएगा 289 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था मात्र सत्तावन परसेंट डोरी काजल बलवान नितिन रोहित सितेश वैष्णवी लूजर और इसी तरीके से कुल 40 बच्चों ने सवाल का आंसर, बहुत 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 <laughs> आंसर निकालिए फटाफट क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का फटाफट ट्राई करो भाई सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई देखो ये तीन है ये दस है ये सत्रह है ये चौबीस है सर यहां 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 प्लस प्लस में साथ, प्लस में साथ, तो आगे अगर साथ करेंगे तो चौबीस और सात इकतीस होता है छब्बीस से कितना ज्यादा पांच पांच पे क्या आता है ई आता है ऑप्शन नंबर ए और डी तो सर नहीं होगा आंसर किसी भी कीमत पे ठीक है आगे देखो सर ये नौ है ये एक है ये उन्नीस है और ये ग्यारह है ठीक है भाई अब आपने देखा कि सर सी है तो अगला सी हम लिख ही देते हैं क्यों चेक करें यहां पे सी लिख देते हैं दोनों में सी है तीसरा चेक करते हैं सर ये है, ये एक है, ये है 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 और यह उन्नीस है। सर, भी चार हुआ यहां भी माइनस चार, चार हुआ तो अगले वाले में माइनस चार होगा उन्नीस में चार गया पंद्रह पंद्रह पे ओ आता है ई सी के बाद ओ आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है क्या आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंजू वैष्णवी बलवान नितिन तुक्का गैंग नाइन टेन प्रीति स्वाति अंकिता प्रीति वैष्णवी प्रिंस स्वाति आरोही और इसी तरीके से कुल उनहत्तर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा ठीक है भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट बताइए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है करिए भाई फटाफट फटाफट ट्राई करिए भाई सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का उत्तर बताना है फटाफट ट्राई करेंगे भाई सारे के सारे दोस्त सारे दोस्तों को ट्राई करना है एक मैराधन क्लास ले लो बहुत जल्दी ले लूंगा भाई देखो ई e और सी ई e और सी हटा दो एफ के अपोजिट डी है एफ के अपोजिट क्या है भैया डी है एफ के अपोजिट क्या है बाबू डी है डी के अपोजिट एफ होगा पूछा गया है डी के अपोजिट क्या है डी के अपोजिट एफ ऑप्शन नंबर ए कितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिया अठासी गोपाल अनु तुक्का गैंग फोर एमएस गायकवाड़ खुशी संदीप राज पाई निकिता सयानी विशाखा के आयरा कोडी चंदन जारवलिन और इसी तरीके से कुल 32 बच्चों ने सवाल का सही और सटीक आंसर दिया है ठीक है भैया अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट जरा इस सवाल का उत्तर निकालिए क्या आने वाला है फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आने वाला है सर शाम की टाइमिंग ज्यादा अच्छा था अब यार टाइमिंग पे मेरा हाँ, अधिकार नहीं है ना देखो एलिफेंट हाथी का को, हाथी को किससे संबंध किया जाता है से हाथी के पास के पास पास होता है मछली गलफड़े होते हैं तो कंगारू के पास क्या होता है ऑप्शन नंबर बी पाउच थैली तो बिठ, मात्र एक परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है क्या बी ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन इक्यानवे वैष्णवी तुक्का गैंग फोर नाइन प्रिंस पवन तुक्का गैंग दस तनु नितिन वन यदुवंशी, बलवान और इसी तरीके से कुल तिरसठ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है। तो मैंने मेरे प्यारे दोस्तों जो आपसे कहा एक सवाल ये आपका होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इस सवाल का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और प्यारे दोस्तों जिन लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे उनको यहां पे आपकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी जो अभी क्लास की पीडीएफ वो आपको यहां पे मिल जाएगी एक और बात साथ साथ मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको हेल्प मिल रहा हो आपके एग्जाम के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो अच्छा लग रहा हो और यहाँ इस क्लास से आपको हेल्प मिल रहा हो तो आप इस सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इस चीज को ठीक है अब आ गई बात लीडर बोर्ड की तो आज के लीडर्स देखो तुक्का गैंग फोर है चौबीस में से बाईस सवाल सही है अन्नू के तेईस में से बाईस सही है ब्रजेश के चौबीस में से इक्कीस बेबो के बाईस में से इक्कीस वैष्णवी के तेईस में से इक्कीस कुमकुम के चौबीस में से इक्कीस वैष्णवी के तेईस में से बीस तुक्का गैंग वन के चौबीस में से बीस सैडली राइट तेईस में से बीस विशाखा बाईस में से बीस खुशी तेईस में से बीस पाई तेईस में से बीस बलवान तेईस में से उन्नीस भैया ऐसे कैसे काम चलेगा भैया ये सारे नाम है आप लीडर्स के जो जितने जिस प्लेस पे आया हो उन सारे नाम अपने देख लीजिए और कोशिश आपको यह करना है कि टॉप टेन में आपको जरूर से जरूर आना है ये सारे आप नाम अपने अपने देख लीजिए कि कौन किस प्लेस पे आया हुआ है और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि टॉप टेन में आप जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर, जरूर, जरूर आए ठीक है भैया तो कुल कितने बच्चों ने एक बच्चों ने सवाल का सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उमदा तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे मिलेंगे आपसे कल की क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और ये जितने भी सेशन चलते हैं प्रैक्टिस सेट के वो कैसे लगते हैं आपको ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच नमस्कार जय हिंद